2024 एकदम मिशन मोड में लो, जो पढ़ाई होती है ना, जो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी होती है ना, ये हमेशा याद रखना है, मजा नहीं होता ये भाई। देखो पढ़ने के दो तरीके होते हैं, एक होता है अपने मन से पढ़ना, जो मजा आएगा पढ़ेंगे, नहीं मन आएगा नहीं पढ़ेंगे, और एक होता है कि डिमांड के हिसाब से पढ़ना, नेसेसिटी आवश्यकता के हिसाब से पढ़ना। तो एसएससी सीजल की क्या डिमांड है, वो क्या मांगता है, उसके हिसाब से पढ़ना अलग है, और अपने मौज से जैसे मन कर रहा है वैसे पढ़ने गए वो अलग है। तो अपने मौज से पढ़ोगे तो होगा भी नहीं सिलेक्शन, और अगर एग्जाम के डिमांड के हिसाब से पढ़ोगे तो 2024 हो भी जाएगा। अब डिमांड के हिसाब से पढ़ना थोड़ा कष्टप्रद होता है, क्योंकि वो आपका मन नहीं चलेगा उसमें। जैसे एसएससी सीजल का डिमांड क्या कहता है, देखो उसने बनाया ही पेपर ऐसा है कि सेक्शन 1 में दो चीज रखा है उसने, क्या, मैथ्स और रीजनिंग, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, 1 घंटे का पेपर है ना, अपने आप 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा, ये क्या खुल जाएगा, सेक्शन 2 खुल जाएगा, ये भी कितने घंटे का, इसमें इंग्लिश 45 135 मार्क्स, और जीएस वो खुद कह रहा है कि जीएस इंग्लिश का ही क्या है, पार्ट है। इंग्लिश का नंबर इतना ज्यादा क्यों रखा है, वो हिंदी मीडियम बंगला मीडियम उड़िया मीडियम नहीं लेना चाहता किसी को, उसको कौन आदमी चाहिए जो इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना जानना बड़ी कंफर्टेबली करता हो, क्योंकि काम सरकार में सब किसमें होता है, इंग्लिश। तो ये तो खुद ही बता रहा है कि जीएस आपको किसमें पढ़ना है, इंग्लिश में। दोहरा फायदा, जीएस जब पढ़ते हैं ना इंग्लिश में तो इंग्लिश भी और नेचुरलाइज होती है, और जीएस भी धीरे धीरे क्या होता है, तैयार होता है, अब वो समझना है। और ये है जो दोनों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बेस्ड सेक्शन है, तो एग्जाम के डिमांड के हिसाब से पढ़ना ना थोड़ा कष्टप्रद होगा। जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होता है वो सोचता है कि मैं जीएस तैयार कर लूं, कोई माई का लाल जो 15 साल से जीएस पढ़ रहा है 25 में 25 करके दिखा दे, जो 25 साल से पढ़ रहा है जीएस, 25 साल से जो टीचर है ना वो 25 25 करके दिखा दे जीएस। तुम कितना भी जीएस पढ़ लोगे ना, जो 2 महीना पढ़ेगा वो 17 करेगा, और जो 5 साल पढ़ेगा वो 18 करेगा, सोचो एक कोई अंतर नहीं है। तो जीएस में ना आपको गाइडेंस चाहिए, जीएस में एक टीचर चाहिए, वो जो टीचर है ना वही 2 3 4 महीने ऐसा पढ़ा देगा कि आप 17 18 कर लेंगे, और जो आदमी 5 7 साल से जीएस पढ़ रहा है वो भी 17 18 ही करेगा, हो सकता है आपसे कम ही करे, समझ में आ रहा है। और उस जीएस के लिए अगर आप चाह रहे हैं कि हिंदी में पढ़ पढ़ के मैं जीएस तैयार कर लूं, बहुत बड़ा विद्वान हो जाऊंगा, खूब नंबर आ जाएंगे, क्या ही नंबर है, सबसे कम नंबर इसी में है, जहां रोटी कम वहां लूटोगे क्या, क्या लूटोगे बताओ जरा, लूटने के लिए कुछ है यहाँ, 75 नंबर का है, कितना भी बड़ा विद्वान जीएस का हो टीचर भी हो ना कर पाए 25 25 का भी, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, यू कैन बी आस्क्ड एनीथिंग, आपसे कुछ भी क्या किया जा सकता है, पूछा जा सकता है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, समझ में क्या रहा है, आपको लूटना किसमें है। 105 देखिए, 310 नंबर पे 315 नंबर पे आदमी क्या बन जा रहा है, इंस्पेक्टर बन जा रहा है। आपको ध्यान इस पे रखना है कि हमें यहां पहुंचना है, और हम यहां कभी नहीं कहते, हम हमेशा अपने बच्चों को क्या कहते हैं, 340 यहां पहुंचो, 340 मतलब क्या है, वन ऑफ द रैंकर्स, मनपसंद जो पोस्ट मिलेगा मिलने, है ना, तुमको ये इस पे नजर रखना है ना। आप जहां लूटने के लिए कुछ नहीं है, पढ़ के भी कुछ नंबर नहीं आने वाला है 5 साल, वो उसको क्यों पढ़े हम। तो आप में से बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि हिंदी पढ़ता हूं, हिंदी में जीएस तैयार कर लेता हूं, तो होता क्या है कि जीएस हिंदी में पढ़ते हैं, पता चला 18 सवाल करने के लिए यहां पहुंच गए 100, आपका रैंक बना 5,35,335, मतलब इस जन्म में आपकी नौकरी नहीं होने वाली है, और केवल एक गलती से कि आपने जीएस किस में पढ़ा, हिंदी में, कभी होगी ही नहीं नौकरी, आप चाहे जितना दम लगा लो। लेटे हनुमान जी का रोज दर्शन करो, कुंटल पर लड्डू चढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला, होगा ही नहीं नौकरी, आप हर बार छटोगे 10 नंबर से, एवरी टाइम यू राइट द एग्जाम विल बी आउट, जितना दम लगाना है लगा लो। तो एक होता है, तो ये इतनी नवाबी नहीं चलती है तैयारी में, तैयारी में नवाबी और राजा वाला काम नहीं होगा, कि अपने मन का काम करेंगे, अपने मन का काम नहीं कर सकते, तैयारी मतलब ही क्या होता है, कष्टप्रद चीज, हार्ड थिंग, जो नहीं आता है वो पढ़ना, वो सीखना, जो एग्जाम का डिमांड है उस हिसाब से पढ़ना।
और उस चीज को आसान बनाने के लिए हम सबसे पहले किस पर वार कर रहे हैं? इंग्लिश। इंग्लिश आसान है, सिंपल है, उसको मैं सिखा दूंगा, उसके बाद आपको हिंदी से ज्यादा किस में मजा आने लगेगा? इंग्लिश में पढ़ने में मजा आने लगेगा। जीएसएस खुद इंग्लिश में पढ़ने लगेंगे आप, है ना। तो एग्जाम इतना छोटा आसान है, 390 नंबर का एग्जाम है, पेपर जाके देखिए, मतलब इतना आसान पेपर है कि 340-350 ऐसे आंख मूंद के लोग कर लें, फिर भी उसमें क्या है, कट ऑफ इतना कम जा रहा है, 310-315। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के लिए एमईए में कितना जा रहा है, 331। क्या है, क्या चल रहा है, लोग इतना नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए कि बेचारे मेहनत सब गलत दिशा में कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा है ना, दौड़े जा रहे हैं लेकिन उत्तर में। अब मंदिर कहाँ है? पूरब में। कह रहे मंदिर नहीं मिल रहा है, अनमिलबो नहीं करेगा, समझ में आ रहा है, नहीं मिलेगा वो। अब वो सोच रहा है कि यार लोग कहते हैं मेहनत से मिलता है, मेहनत तो मैं बहुत कर रहा हूं, तुम करते रहो, गधा भी बहुत मेहनत करता है, नहीं मिलना है। वो दौड़ किस दिशा में होनी चाहिए थी? उत्तर में, नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए था, जिस दिशा में मंदिर है। जैसे अगर आप, हम आपसे कहें कि मनमोहन पार्क चौराहा बहुत नजदीक है, 2 मिनट में पहुंच जाओगे, एक आदमी मुझे फोन पे उल्टा सीधा बोल रहा है, झूठे आदमी कहीं के 2 घंटा से मैं चल रहा हूं, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला उसको? सीढ़ी से उतरा, लेफ्ट जाना था, कहां चला गया? राइट। वो 2 घंटा नहीं, अब वो 20 दिन चलता रहे, उसको मनमोहन चौराहा नहीं मिलेगा। समझ लो, मेहनत करने वालों को नौकरी नहीं मिलती। मेहनत की दिशा भी सही होनी जरूरी है, तभी मिलता है। ऐसा थोड़े कि तुम लोग पहली बार कोचिंग करने आए हो, तुम में से कुछ लोग आजमाए हुए हैं, थक हार के यहां आए हैं, है ना। गलत दिशा में चले जा रहे थे, कुछ हो नहीं रहा था, 1.5-2 साल हो गया, तो कहीं आपको दिखा कि ये मिस मास्टर साहब बड़े कॉन्फिडेंस में कह रहे हैं कि 10 महीने में सिलेक्शन, तब तुम क्या है, लालच में आए हो कि देखें कौन पुड़िया खिलाते हैं, है ना। तो सही दिशा में हम लोग पढ़ेंगे, इतना आसान लगेगा, लगेगा क्या हो रहा है, इतना आसानी से कैसे सब चला आ रहा है, सब स्मूथली होता चला जाएगा, ठीक है ना।